मैकेनिक्स, ये तो मान गई, अब आपकी बारी। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान को धमकियां देने का मुकदमा, लीगी रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमे में अता तारर, सायरा अफजल और दीगर को नामजद किया गया है, जबकि मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। राय कमर ने तकरीर में इमरान खान के कत्ल की धमकी दी। मुकदमे का ये मतन है, अता तारर सायरा तारर तालियां बजाकर शाबाश देते रहे, जबकि मुकदमा तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने दर्ज कराया है। राय कमर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी खावर बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो एक मुस्लिम लीग नून का इजमा हुआ जिसमें लीगी रहनुमा है राय कमर, इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में इश्तियार अंगेजी की गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि अगर क़यादत हुक्म दे तो इन्हें गोली मार दूंगा, जबकि उनके खिलाफ रात को ही वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था पुलिस के जरिए से। अब जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, जिस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई है और लीगी रहनुमाओं अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, राय कमर समेत 15 से 20 नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में मुद्दई मुकदमा इमरान भट्टी का कहना था कि अता तारड़ और सायरा तारड़ ने जो है वो राय कमर को कहा कि आप तकरीर के दौरान इमरान खान को वाजिबुल कत्ल करार देने वाली बात मत भूलिएगा, जिस पर उन्होंने तकरीर के दौरान ये कहा और इश्तियाल अंगेजी फैलाई और इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो नफरत अंगेज तकरीर की, जबकि इमरान खान ने जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम किया वो आलम मुतहदा के सामने है। अक़वाम मुतहदा में भी उन्होंने मुख्तलिफ तकारीर की और हमेशा सच्चा आशिक रसूल होने का सबूत दिया। इसके बावजूद जो है वो उनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाकर तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं और जितने मुसलमान हैं उनके जज्बात को मजरूह किया गया है, लिहाजा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर ये मुकदमा धमकियां देने की दफात और दहशतगर्दी फैलाने की दफात के तहत दर्ज हो चुका है, जिसमें बड़े लीगी रहनुमा अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, राय कमर, मोहम्मद बख्श तारड़ नामजद मुलजिमान है, जबकि 15 से 20 अफराद इसमें नामालूम मुलजिमान हैं। जी खबर, बोल की खबर पर जो है वो एक्शन लिया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात ये बोल ने अपने नाज़रीन को खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो है वो सरेआम धमकियां दी जा रही हैं मजमों के अंदर और मुतअद्दिद जगह पर इसकी निशानदेही भी की गई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से। जब लॉन्ग मार्च पर वजीराबाद में हमला हुआ उससे कबल भी वजीराबाद के एक निजी मैरिज हाल में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐसी एक महफिल सजाई गई जिसमें मुकामी रहनुमा की जानिब से इमरान खान साहब को धमकियां दी गई थी। वो खबर भी नाज़रीन को तक बोल ने अपने पहुँचाई थी और ये खबर भी नाज़रीन तक बोल ने पहुँचाई और इस पर जो है पंजाब हुकूमत हरकत में आई और फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए बोल की खबर पर जो है आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली थी और उन्हें रात ही जो है राय कमर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर फुटेज और खबर भी सबसे पहले बोल ने अपने नाजरीन को पहुंचाई थी। और अब बोल अपने नाजरीन को सबसे पहले यह खबर पहुंचा रहा है कि वजीर आला पंजाब के एक्शन के बाद अब जो है वो मुकामी पुलिस की जानिब से ये जो रहनुमा है जिनकी जानिब से ये एक अफसोसनाक तकारीर करने का और इश्तियाल अंगेजी फैलाने का वाकया सामने आया, उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमे की कॉपी बोल के नाजरीन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफात शामिल है, धमकियां देने की दफात शामिल है। 4 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, मोहम्मद बख्श तारड़, राय कमर जो शख्स जो तकरीर कर रहे थे इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून के हाफजाबाद के अहदेदार भी हैं और साबिक वाइस चेयरमैन भी हैं और ये अपनी तकरीर में वाजा कहते हुए दिखाई देते हैं कि इमरान खान आप वाजिबुल कत्ल हैं और जब मेरी क़यादत हुक्म देगी तो मैं आपको गोली मार दूंगा, जो आप पर हमला हुआ वो हमने नहीं करवाया, हम करवाते तो आप बच के दिखाते। इंतहाई संगीन किस्म की धमकियां थी, इंतहाई जो है वो इश्तियाल अंगेजी की गुफ्तगू थी जिसमें मजहबी मुनाफरत भी फैलाई जा रही थी और उसके साथ ही साथ उनकी किरदार कशी भी की जा रही थी, जिस पर लोगों के जज्बात मजरूह हुए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पूरे मुल्क के मदई मुकदमा का कहना है कि बसने वाले मुसलमानों को इस बात का रंज हुआ, दुख हुआ, क्योंकि इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से। उनका कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने इमरान खान ने आवाज उठाई, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अक़वामे मुतहदा के प्लेटफॉर्म पर बाकायदा तौर पर इस्लाम के खिलाफ काम करने वाले फितनों को कुचलने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद उन्हें मजहबी मुनाफरत का निशाना बनाकर जो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमती जमात की जानिब से, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और ये उसका बड़ा सबूत हाफजाबाद की में राय कमर की तकरीर है जिसमें उन्होंने इस तरह की संगीन गुफ्तगू की है, जिस पर पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेते हुए बोल की खबर के बाद फौरी तौर पर आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली थी और पुलिस से मुतहरिक होकर रात ही
राय कमर को उनके इलाके हाफजाबाद से गिरफ्तार कर लिया था और अब जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इनकी गिरफ्तारी की तस्वीर और इन पर दर्ज होने वाले की मुकदमे की कॉपी बोल के नाज़रीन बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे कबल भी अतातारण के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया था और इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मरियम औरंगजेब है और मुतद जावेद लतीफ है, उन्होंने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तरीके इंसाफ के खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाने की। खावर अब्बास, इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे और बोल न्यूज की खबर के बाद ये एक्शन हुआ है। बोल न्यूज ने नाजरीन को ये खबर पहुंचाई थी।